आज हम सीखने वाले हैं क्रॉस चेक और डबल चेक के बीच में डिफरेंस। तो आज मैं और सचिन शॉपिंग के लिए गए और शॉपिंग के बाद जो हमें रिसीट मिली उसको मैंने डबल चेक किया। प्रीति ने इसको डबल चेक इसलिए किया, कई बार हम शॉपिंग करते हैं और गलती से रिटेलर एक आइटम को दो बार ऐड कर देता है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई आइटम डिस्काउंट पे होती है और रिटेलर जब स्कैन करता है उसका एक्चुअल प्राइस लगा होता है। जब हम उस रिसीट को दोबारा चेक करते हैं, यानी कि दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि सारी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है, तो इसको हम कहते हैं डबल चेक। डबल चेक का मतलब है कि वेरीफाई करना, रीचेक करना या फिर दोबारा से उसकी जांच करना। जैसा एग्ज़ाम टाइम में भी हमारी टीचर्स हमें बोलती थी कि एग्ज़ाम को सबमिट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना, यानी आप खुद से उसको दोबारा चेक कर लें कि कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया। तो उस सिचुएशन में हम डबल चेक वर्ड का यूज़ करते हैं। प्रीति, यस सचिन, डिड यू डबल चेक द अमाउंट? यस आई डिड। तो सचिन ने मुझसे पूछा, डिड यू डबल चेक दी अमाउंट, जिसका मतलब है कि क्या तुमने अमाउंट को रीचेक किया था। सचिन, आपने रेंट ट्रांसफर कर दिया? हाँ प्रीति, कर दिया, सभी कर दिया था। तो आपने भैया से क्रॉस चेक किया? यार वो करना भूल गया। क्रॉस चेक का मतलब होता है रिव्यू करना या वैलिडेट करना। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को या कैलकुलेशन को किसी से वेरीफाई करते हैं, किसी व्यक्ति से वेरीफाई करते हैं या किसी सोर्स से वेरीफाई करते हैं, तो वहां पर आप क्रॉस चेक का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी क्लाइंट ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन किया, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के लिए आप श्योर नहीं थे, तो आप जनरली उनको बोलते हैं कि मैं अपने बॉस से पूछकर बताऊंगी। तो यहाँ पर पूछने का मतलब होता है कि आप क्रॉस चेक करेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल क्रॉस चेक विद माई बॉस। और अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या आपने क्रॉस चेक किया, तो आप इसको बोल सकते हैं डिड यू क्रॉस चेक विद, और उसके आगे आपने जो भी बोलना है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ सकते हैं डिड यू क्रॉस चेक विद योर बॉस, या आपने अपने किसी फ्रेंड से चेक करना था तो आप बोल सकते हैं डिड यू क्रॉस चेक विद योर फ्रेंड, या डिड यू क्रॉस चेक विद योर पेरेंट्स। सो आई होप आपको डबल चेक और क्रॉस चेक का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डबल चेक आप तब करते हैं जब आप खुद उस चीज़ को दोबारा से चेक करते हैं, और क्रॉस चेक जब आप किसी और सोर्स से उसको वेरीफाई करते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।